कई बार पापा तो नहीं भाई, कोई जानवर वगैरह आ चुका है यार, कोई टेंट पे वो चीज हमला कर रही है। ये किसी जानवर का सिर है और भाई उसने उस सिर पे वो बंदे ने कुछ किया हुआ है कि ये किसी ने भाई इधर ये माचिस की तिलियां वगैरह लगाई हुई हैं इसके नींबू में और ये भाई इधर चूड़ियां रखी हुई हैं। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक और नई कैंपिंग वीडियो में। तो आज की जो भाई मैं लोकेशन पे आ चुका हूँ, बिल्कुल ख़तरनाक लोकेशन पे आ चुका हूँ आज भाई। सबसे पहले ये तो है भाई हॉन्टेड प्लेस, एंड भाई इधर है भाई ये लेपर्ड का खतरा। तो ये आप सबको सबसे पहले तो भाई एक मैं क्लिप शो हो रही होगी। तो आप सब ने भाई ये क्लिप तो देख ली होनी कि भाई लेपर्ड तो आजकल भाई ऐसे ही भाई अटैक ये कर दे रहा है, तो खतरा तो है ही है। बट भाई चलो कोई नहीं भाई, हम इधर सरवाइव करने वाले हैं। तो भाई जो ये आपको वीडियो देख रहे होने, तो ये भाई हमारे इधर पास की है थोड़ी। तो भाई ये वीडियो देख के तो पहले तो भाई ये कैंपिंग में आने की भाई हिम्मत नहीं हो रही थी, तो पर चलो कोई नहीं भाई, आ चुके हैं हम। तो आज की जो ये कैंपिंग है भाई, आज की ये सोलो कैंपिंग ही होने वाली है मेरी। तो आज मैं भाई इस लोकेशन पे हूँ, आपने भाई पिछली लोकेशन पे देखा होगा जो मैं आपको ये चीज़ ये दिखाई थी भाई, इधर किसी ने कुछ करके रखा हुआ था। तो भाई इसके साथ ही भाई मैं क्योंकि भाई क्योंकि भाई जंगल में ज़्यादा नहीं घुमाता, तो मैं आते टाइम भाई ये एक चीज़ ये देखी थी भाई, किसी चीज़ का भाई बंदे ने भाई सर ये रखा हुआ है उधर, और भाई उस सर पर भाई ये किसी ने कुछ किया हुआ है। तो भाई वो सर पर ये पता नहीं किस चीज़ का है, आपको मैं वो भी दिखाऊँगा वीडियो में। तो और तो भाई इधर ये लेपर्ड का खतरा तो है ही है। तो मैं टाइम से तो मैं आ गया हूँ कैंपिंग में, तो आज की भाई सोलो कैंपिंग ही है अपनी, और मैं अपनी सेफ्टी के लिए भी भाई साथ में कुछ लेके आया हुआ हूँ। तो देखते हैं आज कैंपिंग में क्या होता है, पर आज की ये कैंपिंग आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो जल्दी से भाई लाइक कर दो वीडियो में, तो मैं अपना सारा सेटअप वगैरह कर लेता हूँ, फिर करते हैं हम भाई अपनी कैंपिंग स्टार्ट। आज की कैंपिंग जो है भाई आज फिर सोलो कैंपिंग है, तो आज आपको फिर मज़ा आने वाला है। आज की वीडियो में आपको कुछ भाई मैं नया दिखाने वाला हूँ, और डर तो भाई ये लग ही रहा है इस जगह पे, ये बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ये, क्योंकि इस जगह पे भाई पिछली बार जो हुआ था ना ख़तरनाक चीज़ हुई थी, मैं ये पूरी रात सो नहीं पाया था। तो चलो जल्दी से मैं भाई अभी अपना सारा सेटअप वगैरह तो मैं कर लिया, और अभी अपना खाने पीने का करता हूँ, फिर आपको भाई मैं जंगल में चलूँगा रात को लेके, दिखाऊँगा आपको ये सारी चीज़ें। तो चलो करते हैं अपनी कैंपिंग स्टार्ट। तो गाइस भाई अभी अंधेरा हो रहा है टाइम से, क्योंकि भाई इतनी जंगल में भाई रात को मेरे को ज़्यादा भाई बाहर बैठना सेफ नहीं है। तो जल्दी से मैं अपनी सारी चॉपिंग वगैरह कर लेता हूँ, क्योंकि जंगल में भाई यही है कि जितनी जल्दी बंदा भाई काम अपना ख़त्म कर ले अकेला है, तो ये ग्रुप कैंपिंग में तो भाई जैसे ये मर्जी होता है कि भाई बंदे अपने चलो साथ के होते हैं, उस टाइम तो नहीं इतना डर लगता। बट भाई ये है कि सोलो कैंपिंग में डर लगता ही लगता है यार, बंदा जितना मर्जी हो। तो चलो ऊपर से भाई ऐसी खतरनाक ये लोकेशन पे साथ में भाई वो काम ये करा हुआ है बंदों ने, किसी चीज़ का सर रखा हुआ है। तो भाई ये है कि भाई और भाई ये कई बंदे होते हैं कि भाई वीडियो स्किप करके देखते हैं, भाई स्किप करके ना देखा करो ये, क्योंकि भाई किसी किसी टाइम भाई कुछ ऐसा होता है कि भाई वीडियो में भाई वो चीज़ कैप्चर हो जाती है। तो ये है कि भाई वो हमें नहीं पता लगती है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, तो इसलिए भाई वीडियो स्किप ये करके ना देखा करो, क्योंकि हर एक एक सेकंड में भाई जंगल में कुछ भी चीज़ कैप्चर हो सकती है कैमरे में। तो चलो अभी जल्दी से भाई मैं अपनी चॉपिंग वगैरह कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको आगे। तो गाइस भाई मैं अपनी अभी ये चॉपिंग वगैरह कर ली थी, तो अभी टाइम भी हो चुका है 8 बज चुके हैं, तो अभी अंधेरा तो हो ही गया है, तो मेरे को अभी खाना भी बना लेना चाहिए टाइम से। मैं ये जो भाई ये चावल वगैरह थे ये तो मैं घर से लेके आया हुआ था करके, तो आज मैं बनाने वाला हूँ अपने फेवरेट भाई फ्राइड राइस। तो चलो अभी मैं जल्दी से अपने चावल वगैरह ये कर लेता हूँ रेडी, फिर आपके साथ करते हैं बातें।
आज की कैंपिंग में आपको आ रहा होना मजा। तो आप सब बताना कि भाई हम ये कैसी कैंपिंग करें, कमेंट करना मत भूला करो भाई, हमें पता लगता रहता है। तो ये आप सारे बताना कि हमें कैसी कैंपिंग करनी चाहिए। चलो अभी मैं ये कर लेता हूँ मेरा रेडी। जंगल में वैसे भाई खाने पीने का अलग ही मजा है, और बिल्कुल सुनसान जंगल में तो वैसे ही खतरनाक है काम। आज मच्छर उड़ा है। जो भाई चावल बने हुए हैं एक नंबर, तो भाई मैं अपने ये फ्राइड राइस वगैरह तो बना लिए, तो अभी मैं जल्दी जल्दी से खा लेता हूँ। फिर इसके बाद भाई चलिए, क्योंकि जंगल में भाई रात बिताना के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो आपको भाई मैं इधर की एक स्टोरी बताता हूँ कि भाई जो हमारे पहले वगैरह भाई जो दादा वगैरह थे, तो वो बताते हैं कि भाई ये इधर से भाई एक नदी वगैरह जाती है, तो इधर से भाई वो घास वगैरह लेके आते थे। तो उनके पीछे पता नहीं भाई कोई ऐसे हो या ऐसे मतलब कि आवाज़ें वगैरह मारते थे, तो भाई ये तो वही बताते थे। बट भाई बाकी क्या होता है, ये है कि भाई ये प्लेस तो हॉन्टेड तो है ही है, पर चलो कोई नहीं। अब मैं अपने चावल वगैरह खा लेता हूँ, फिर आपके साथ मिलते हैं आगे, फिर आपको मैं भाई जंगल में लेके चलता हूँ। तो चलो मैं चलता हूँ, आपको भाई पहले खाना वगैरह खा लेता हूँ। तो गाइस भाई अभी मैं अपना खाना वगैरह खा चुका हूँ बढ़िया करके, अभी तो कुछ मेरे को ऐसा नहीं लगा है। और अभी मैं आपको भाई अपनी उस लोकेशन पे ले लेके चलता हूँ, सॉरी अपनी नहीं मतलब कि अभी मैं आपको उस लोकेशन पे लेके चलता हूँ जहाँ पे भाई लोगों ने कुछ कुछ किया हुआ है। तो चलो आपको भाई मैं वो लोकेशन दिखाता हूँ जाके, लाइट वगैरह उठा लेता हूँ अपने साथ ही। तो भाई यही है कि जंगल में खतरा तो है ही है, पर यार अकेले डाने ये जाने को इतना ज़्यादा डर लग रहा है ना। ये देखो भाई ऐसे सुनसान जंगल में कहीं आप लोगों ने अकेले जाना हो तो भाई बताओ, डर तो लगता है ना। कसम से भाई अभी इतना ज़्यादा डर लग रहा है ना मेरे को। तो अभी मैं तो टेंट भी अपना, ये देखो भाई कितना ज्यादा सुनसान है। तो ये देखो भाई, एक तो भाई किसी ने भाई ये चीज किसी ने कुछ करके रखा हुआ है। ये तो आपने भाई पहले दे देखा होगा, ये किसी ने भाई पता नहीं क्या बना के, और भाई ये इस पे भी कुछ लिखा हुआ है। तो ये देखो क्या ही भाई लोगों ने क्या ही क्या किया हुआ है। तो ये भाई पता नहीं है क्या चीज़ है, बट भाई किसी ने कुछ ना कुछ तो ये किया हुआ है। ये देखो कि ये किसी ने भाई इधर ये माचिस की तिलियां वगैरह लगाई हुई हैं इसके नींबू में, और ये भाई इधर चूड़ियां रखी हुई हैं। ऐसी खतरनाक लोकेशन पे तो भाई डर ही लगता है, पर भाई अभी मैं आपको एक खतरनाक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो भाई सबसे खतरनाक कि किसी ने कुछ किया हुआ है। इसके तो भाई इसके तो पास जाने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही है भाई।
ये देखो ये देखो भाई, किसी बंदे ने भाई किसी जानवर का इधर भाई सिर वगैरह रखा हुआ है। अब वो पता नहीं भाई ये जानवर जिंदा था या क्या था, पर भाई अभी तो इसकी हड्डी पड़ी हुई है। और यार इसके भाई ये नीचे पता नहीं क्या कि ये देखो इसके ये किसी ने भाई इधर भी कुछ लिखा हुआ है, पर ये देखो भाई ये क्या ही खतरनाक चीज़ है। पता नहीं भाई अभी ये क्या हो सकता है। मेरे को तो लगता भाई कि ये किसी जानवर का सिर है और भाई उसने उस सिर पे वो बंदे ने कुछ किया हुआ है, तो पता नहीं क्या है। ऐसी लोकेशन में तो यार भाई लगता तो है भाई डर। कितनी खतरनाक भाई ये चीज़ है। ऐसी चीज़ों से तो भाई डर ही लगता है। मेरे को तो अभी भी भाई डर लग रहा है। मैं जिस टाइम भाई उस चीज़ के पास गया तो मेरे को पता नहीं भाई कुछ भाई भी कोई कुछ भाई गलत आ रही थी। ऐसे लाह लग रहा था कि भाई ये भाई दूर से किसी चीज़ ये चीज़ की चलने की आवाज़ आ रही है, पर भाई पता नहीं है भाई क्या सीन पानी होगा। पर चलो कोई नहीं, आपको भाई मैं और तो चीज़ें दिखाती। तो अभी मैं अपना सारा थोड़ा खाने पीने का सामान वगैरह इकट्ठा तो कर लिया था, तो अभी मैं भाई अपनी ये करता हूँ सोने की तैयारी स्टार्ट। चलो अभी कहीं भाई वो चलने की आवाज़, कहीं भाई कहीं लेपर्ड वगैरह ना हो, और कहीं भाई कुछ ऐसी हॉन्टेड सी प्लेस पे हूँ ये, कहीं भाई कुछ और ना हो। तो चलो अभी मैं जल्दी से भाई अभी अपने अंदर चलता हूँ और सोने की तैयारी ये करता हूँ अपनी स्टार्ट। गाइस भाई चलो, अभी अंधेरा तो हो चुका है, 10 वगैरह तो बज चुके हैं, तो अपनी मैं भाई बढ़िया ये करके सो जाता हूँ। तो भाई डर तो इस लोकेशन पर लग ही रहा है, और भाई डर तो अब भाई इतना ज़्यादा लग रहा है ना कि हद नहीं होती है। तो चलो अभी मैं भाई करता हूँ अपने सोने की तैयारी, मिलता हूँ आपको बाद में। भाई बाहर पापा भाई कोई जानवर वगैरह आ चुका है यार, कोई टेंट पे वो चीज़ हमला कर रही है। हट हट, अब भाई ये देखो क्या चीज़ है भाई ये। पता नहीं क्या चीज़ है यार, ये आधी रात को भाई पता नहीं है कि चीज़ है भाई, उसने भाई टेंट पे हमला कर दिया पूरा। तो पता नहीं भाई अभी क्या कर। तो भाई मैं अभी यार थोड़ी देर में निकलता हूँ ये बाहर, क्योंकि अभी मैं नहीं निकल सकता, क्योंकि भाई ये भाई लेपर्ड भी हो सकते हैं जी, ये भाई जी चीज़ ने भाई इधर हमला किया है। आपको भी बाहर दिख रहा होगा नहीं, भाई पता नहीं भाई क्या चीज़ है यार वो। अभी मैं भाई रात को भाई अभी तो मैं नए ही निकलने वाला हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में बाहर निकल के देखता हूँ भाई ये क्या चीज़ है। हाँ यार आज तो भाई मैं खतरनाक लोकेशन पर फंस चुका हूँ भाई, ऊपर से हॉन्टेड प्लेस, और भाई ऊपर से भाई अभी मेरे को तो लगता कि भाई ये पक्का लेपर्ड ही होगा। तो चलो अभी मैं जल्दी से भाई अभी इधर ही बैठना पड़ेगा अभी, तो मैं अभी थोड़ी देर में निकलूंगा बाहर। तो भाई अभी वो चीज गई है, तो मैं अभी भाई मैं बिल्कुल भाई ये 2 घंटे के बाद मैं बाहर निकला हूँ। तो अभी मैं भाई अपनी सेफ्टी के लिए भाई कुछ ना कुछ तो करने वाला हूँ। तो सामने है वो चीज। तो अभी गाइस मैं भाई अभी अंदर तो आ चुका हूँ, अभी रात के पूरे 12 बज रहे हैं। तो बाहर मैं यार जो अपनी सेफ्टी के लिए मैं अपने पास लेके आया हुआ आया हुआ था भाई ये पटाखा सा करके। तो भाई अभी जानवर वगैरह अगर कोई होगा तो भाई भाग तो सकता है। तो अभी मैं देखता हूँ कि भाई इधर अपनी रात पूरी के कैसे गुजारता हूँ। मेरे को तो लगता है कि भाई मेरे को अभी रात ये भाई पूरी ऐसे ही नहीं गुजारनी पड़ेगी बैठ के। तो
अभी भाई इधर बड़ा बड़ा ज़्यादा डर लग रहा है मेरे को। तो ये बोलो कि भाई मैं अपनी सेफ्टी के लिए अपने साथ कुछ लेके आया हुआ था, पर भाई भाई वो जिस चीज़ ने हमला किया हो तो भाई पक्का भाई मेरे को तो लगता भाई कोई लैपटॉप वगैरह ही होगा या भाई कोई और जानवर होगा। और मैं तो भाई और यार मैं भाई बाहर तो मैं भाई बच गया यार। मैं जिस टाइम ये पटाखा करा ना वो चीज़ भाई बिल्कुल सामने थी भाई, उस चीज़ की आंखें चम गई थी वो चीज़ भाई, शायद भाई मेरा पता नहीं वेट ही कर रही थी या भाई क्या चीज़ थी। मैं जैसे ये बाहर निकला मैं भाई उस साइड को देखा तो भाई उधर वो वाली आंखें चमक रही थी, तो ऊपर था पता नहीं क्या। भाई मैं जैसे पटाखा करा और भाई वो चीज़ भाग गई। ये तो है कि भाई वो चीज़ भाग गई है, बट भाई मैं अभी ज़्यादा पूरा श्योर भी नहीं रह सकता क्योंकि इधर पूरी रात निकालनी है मेरे को। तो चलो अभी मैं देखता हूँ कि वो ये क्या करना है, पर यही है अब मेरे को तो भाई पूरी रात अभी ऐसे ही निकालनी पड़ेगी। तो चलिए मिलता हूँ मैं अभी आपको आगे, अगर आगे अभी कुछ भी होता है तो मैं आपको बताता हूँ। और यार भाई ये ऊपर से वाली चीज़ है जो मेरे को भाई उस चीज़ का बड़ा डर लग रहा है। मेरे को तो भाई ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ के पास कोई बंदा भाई चल रहा हो वहाँ से वहाँ। तो बड़ा ज़्यादा भाई इस प्लेस पे मैं इसके बाद भाई आज के बाद इस लोकेशन पे नहीं आने वाला हूँ कैंपिंग करने के लिए, क्योंकि ये लोकेशन भाई बड़ी ख़तरनाक है, ऐसा रिस्क मैं नहीं लेने वाला हूँ। तो आप भी भाई ये वीडियो देख रहे हो तो भाई ऐसा रिस्क ना लो, कुछ भी भाई ऐसा ना करा करो। तो चलो अभी मैं तो भाई आज जैसे मर्जी का ये करके अपनी रात निकालता हूँ इधर पूरी, फिर भाई देखते हैं फिर सुबह को चलूँगा। अगर अभी रात को कुछ भी होता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो चलो ओके बाय बाय।